हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक प्रोजेक्ट्स। गेस द आउटपुट की सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन विजिबल होगा। इस टाइम पे आप स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, देन मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश की होगी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर क्या आया होगा, या वो एरर होगा, या उन्होंने सोचा होगा कि इसका आंसर हो सकता है सी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू 5। बट मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सी, 3, 5 एंड 7। बट अब देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ये क्यों है। हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, ए, बी एंड सी। ए एंड बी के अंदर ऑलरेडी कुछ वैल्यूज असाइन है। देन एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, सी इज इक्वल्स टू ए ट्रिपल प्राइम प्लस देन बी। अब इसको अगर एक्चुअल में करने का तरीका हो तो इस तरह से लिखा जाएगा, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस 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 देन बी। शायद आपने यहाँ तक सही करा हो, लेकिन आपने क्या करा होगा, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया होगा, देन उसके बाद ऐड करी होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज मैं आपको बता देता हूँ, ये ए प्लस प्लस एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और इसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम। मतलब कि हर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ही ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। देन अगर उस टाइप से अगर हम देखें तो क्या आंसर होना चाहिए, सी के अंदर क्या स्टोर होगा। सी के अंदर स्टोर होगा ए की वैल्यू कितनी है, 2। मैंने बताया ए प्लस प्लस सबसे लास्ट में चलेगा, मतलब कि 2, एंड बी की वैल्यू कितनी है, 5। तो सी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 7, एंड लास्ट में ए की वैल्यू में 1 हो जाएगा इंक्रीमेंट, ए प्लस प्लस। तो मतलब कि ए की वैल्यू कितनी थी, 2, एंड उसमें हो जाएगा 3। तो जब प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट चलेगी तो ए की वैल्यू 3 प्रिंट होगी, बी की वैल्यू 5 प्रिंट होगी, एंड सी की वैल्यू 7 प्रिंट होगी। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।